कभी आपने सोचा है कि जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये वाला एल्गोरिथम बेस्ट है अक्सर वह लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये ना यूज़ करो फ्लॉँ एल्गोरिथम यूज़ करो वो बेस्ट है और अगर पाँच सात लोग आपको जानने वाले हैं और मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट हैं वो आपको कोई नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि जो रैंडम फ्रेस बहुत अच्छा काम करता है दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई ये नहीं अच्छा काम करता तीसरा बंदा कहता है आपको रैंडम फ्रेश अच्छा काम करेगा लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर भी अच्छा काम कर सकता है अगर आपको लगता है एक्सटीब्यू अच्छा काम करता है तो आप वो भी यूज करना चाहेंगे और फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ये वाला यूज नहीं करना कोई और यूज कर लो सो एट एंड होता क्या है आपके पास लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स आ जाती है जिसे आप यूज करना चाहते हैं अब कौन सा एल्गोरिथम फ्रॉम दीज एल्गोरिथम कैन परफॉर्म बेटर और कैसे हम बेस्ट एल्गोरिथम को चूज कर सकते हैं टू ट्रेन आवर मॉडल यही नहीं अभी और सुनिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स दो या दो से ज्यादा एल्गोरिथम्स जब आप उनमें से बेस्ट को चूज करें वो सिलेक्ट भी हो वो ट्रेन भी हो फिट भी हो टेस्ट भी हो और वैल्यूएशन भी हो उसकी ये सब कुछ इस एक लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं और मल्टीपल एल्गोरिथम्स को यूज करके हम एक बेस्ट एल्गोरिथम को चूज करने वाले हैं लेट्स मूव ऑन आर सिक्वेंस यहां पे आप देख सकते हैं कि हम यहां पे इस नोटबुक के अंदर जिसका नाम है ट्वेंटी वन बेस्ट मॉडल सिलेक्शन इसके अंदर काम कर रहे हैं

अगर प्रसिजन स्कोर पे करना है वो भी हम कर सकते हैं रिकॉल पे भी एफ वन स्कोर पे भी या हम किसी और एल्गोरिथम को भी चेक कर सकते हैं इफ वी आर डूइंग सम रिग्रेशन टास्क तो हमें एक मैट्रिक को फाइनलाइज करना होगा आफ्टर दैट वी कैन लुक के हम ये कैसे काम कर सकते हैं अब ये सारे का सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है ये आपको अवेलेबल भी हो जाएगा आपको मिल भी जाएगा बट फॉर द फॉर द मेन टास्क यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं पांडाज एस पी डी सी बोन एज एस एन एस ऑब्वियसली मैट प्लॉट और आपको बाकी भी करनी चाहिए आई एम जस्ट टेकिंग आउट फ्यू फू एग्जाम्पल्सर सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपने सेड लर्न के अंदर से मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट सप्लेट लेके आना है क्रॉस वैलिडेशन एंड ग्रिड सेट सी ये तीन चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है मॉडल सिलेक्शन में से ठीक है फिर आपने पाइपलाइन लेके आनी क्योंकि हम पाइपलाइन को यूज़ करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा हम सिंपल इम्प्यूटर को यूज़ करेंगे टू इम्प्योर्ट मिसिंग वैल्यूज़ और हम वन हॉट इनकोडर को यूज़ करेंगे टू इनकोड आर डेटा फिर हम रेंडम फ्रेस क्लासीफायर और ग्रेडियन बूस्ट क्लासीफायर को यूज़ करके अपने मॉडल को चेक करेंगे कि कौन सा बेस्ट है हम मैट्रिक्स जो यूज करने वाले हैं एक्यूरेसी स्कोर करने वाले हैं अपने मॉडल को बेस्ट मॉडल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम होता है डेटा इंपोर्ट जो हमने पिछली कई नोटबुक्स के अंदर काम किया तो मैंने ये डेटा का लोड कर लिया एक्स और वाई हमने सेपरेट कर लिया जिनको फीचर्स एंड टारगेट्स बोला जाता है एक्स में हमें पास है, 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 हमारे पास पी क्लास है सेक्स है एज है फेयर है एंड इम्पार्क्ड है एंड देन हमारे पास सर्वाइवड है वाई के अंदर देन वी हैव स्प्लिट आर डेटा इन ट्रेन एंड एटी ट्वेंटी रेशियो और फोर्टी टू का मैंने रैंडम स्टेट लगा दिया अब हमने मॉडल की एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमने मॉडल्स लिखना है और मॉडल का इस तरीके से हमने स्ट्रिंग में लिख देना है और उसकी दूसरी साइड पे हमने रैंडम रेंडम क्लासिफायर है तो रैंडम स्टेट और बाकी चीजें उसकी यहां पे कर देनी है ग्रेडियन बूस्टिंग है तो हमने ग्रेडियन बूस्टिंग क्लासिफायर को यहां पे मेंशन कर दिया अगर आप चाहते हैं कोई और मेथड को यूज भी करना तो आप यहां पे उसको भी लिख सकते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक्स जी बूस्ट को लिखता हूं अगर मैं यहां पे एक्स जी बूस्ट लिखता हूं तो एक्स जी बूस्ट क्लासीफायर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा विच आई कैन इंपोर्ट हियर फ्रॉम एक्स जी बूस्ट सबसे पहले तो मुझे कर्नल साहब सेलेक्ट करने हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पे लिखते हैं जी एक्स जी बूस्ट इंपोर्ट एक्स जी बूस्ट क्लासीफायर तो हमने ये तीन कर लिए दो के बजाय मैं तीन कर लेता हूँ ठीक है एंड देन बेस्ट मॉडल हमने ये ले लिया नन हमारे पास कोई नहीं है हमने एक इनिशियल इनिशिएट किया बेस्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट को जिसमें नन लिख दिया क्यों क्योंकि हमने अभी ये काम करना है तो नल का का, का भी बना जिसमें कोई नहीं है। नन कैटेगोरिकल क्यूं वेरिएबल होगा और ये हमारे पास न्यूमेरिक होगा इस वजह से यहां पे जीरो लिखा गया सो यू कैन सी हमारे पास दो हमने एम्प्टी जो लिस्ट है वो हमारे पास आ गई अब हमने क्या करना टेड करना ओवर ईच मॉडल टू अवेल्यूएट देयर परफॉर्मेंस मतलब ये कि जितने तीन के तीन मॉडल्स हैं ये तीन के तीन को हमने ट्रेन करना है, models, कौन सा? ये हमारे पास है ये हमारे पास नेम है ये हमारे पास मॉडल है और ये हमारे पास मॉडल्स का एक ऑब्जेक्ट है इस मॉडल्स के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक कॉलम का नेम का दूसरा हमारे पास हमारे पास उस मॉडल का अपना जो बेसिकली मॉडल है वो है ठीक है यानी कि नेम एंड मॉडल तो हमने ये फॉर लूप बनाया कि फॉर नेम कॉमा मॉडल जो हमने यहाँ पे नेम कॉमा मॉडल इस तरीके से लिखा हुआ है इन मॉडल्स मॉडल्स क्या है हमारे पास ये पूरी की पूरी हमारे पास मॉडल की लिस्ट है क्रिएट अ पाइपलाइन फॉर ईच मॉडल हमने ईच मॉडल की पाइपलाइन बनानी है पाइपलाइन क्या है पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया पाइपलाइन इंप्यूटर हमने सिंपल इंप्यूटर यूज कर लिया इनकोडर हमने वाटर हॉट और हमने मॉडल के अंदर मॉडल लिख दिया अब क्या होगा ये पाइपलाइन रन करेगी सारी की सारी चीजें और जहां पे वैल्यू चेंज हो रही है मॉडल की यानी कि ये तीन के तीन मॉडल वहां पे वो तीन दफा मॉडल रन कर जाएगा सिंपल तो हमारा फॉर लूप एक ही चीज को बार बार इटरेट कर रहा है ऑन डिफरेंट थिंग्स फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे क्रॉस वैलिडेशन क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की बेस पे हम परफॉर्म करेंगे हमारे पास फाइव क्रॉस पे इससे कम भी कर सकते हैं इट्स अप टू यू लेकिन मैं फाइव क्रॉस फोल्ड्स को प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट्स इट्स अ नाइस नंबर और यू कैन ऑल्सो यूज एट यू कैन ऑल्सो यूज ट्वेल्व फोर्टीन इट्स अप टू यू सो मैंने पाइपलाइन को यहाँ पे लिखा कौन सी पाइपलाइन ये वाली और स्कोर्स यानी कि क्योंकि मेरे पास तीन के तीन मॉडल रन करेंगे तो स्कोर्स तीनों के आ जाएंगे ठीक है फिर हमने क्या किया उन सभी का मीन स्कोर हमने निकाल लिया ठीक है फिर हमने क्या किया हमने पूरी की पूरी पाइपलाइन को फिट किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे ठीक है जो बेस्ट मॉडल था ऑब्वियसली हमने उसको यहाँ पे प्रिंट किया अब फिट करने के बाद हमने क्या किया पाइपलाइन डॉट प्रोडिक्ट यानी कि प्रोडिक्शन की एंड एट दी एंड हमने एक्यूरेसी स्कोर उसका निकाल लिया फिर हमने क्या किया मॉडल के जो मैट्रिक्स थे परफॉर्मेंस के उनको प्रिंट किया और फिर हमने देखा कि अगर हमारे बेस्ट मॉडल की एक्यूरेसी सबसे बेहतर है या नहीं है देन वी प्रिंटेड द बेस्ट मॉडल एंड एट देंड अगर मैं इसको रन करता हूँ अगर कोई एरर ना आई तो इट विल टेक सम टाइम क्योंकि तीन एल्गोरिथम हमारे पास रन करने हैं तो हमारे पास ईच मॉडल का नाम आ गया मॉडल रेंडम फॉरेस्ट है क्रॉस वैलिडेशन एक इसकी पॉइंट सेवन नाइन है पाँच फोल्ड की टेस्ट एकूरेसी इसकी है पॉइंट एट थ्री फिर हमारे पास आया ग्रेडियन बूस्टिंग ग्रेडियन बूस्टिंग की हमारे पास पॉइंट एट जीरो जो है वो एकोरेसी है वेलीडेशन की क्रॉस वेलीडेशन की टेस्ट एक्रेसी हमारे पास पॉइंट सेवन नाइन है यानी कि इससे हमारी टेस्ट एकूरेसी कम है फिर हमारे पास बूस्ट आया एक्यूरेसी इसकी पॉइंट एट जीरो यहाँ पे है पॉइंट सेवन नाइन यहाँ पे है और हमारे पास जो बेस्ट मॉडल है उसकी जो नाम है वो भी हमारे पास आ गया रेंडम फ्रेस क्लासीफायर और एट द एंड हमारे पास ये वाला जो बेस्ट मॉडल है इसके पैरामीटर्स जो हैं वो भी हम निकाल सकते हैं बट वी इन डू दिस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लेकिन हमारे पास ये तीन हमने एल्गोरिथम्स को यहाँ पे एक्चुअली चेक किया और हमारे पास तीनों के तीन एल्गोरिथम की ये एक्यूरेसी भी आ गई और एक्यूरेसी की बेस पे जिसकी बैक बेस्ट एक्यूरेसी है टेस्ट एक्यूरेसी की बात हो रही है वो हमारे पास हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया so, सो टेस्ट है इसकी .79 है इसकी भी .79 है है भी तो जो विन किया वो है .83। इस तरीके से हमें डायरेक्टली पता चल गया कि हमारा जो मॉडल है वो ये वाला बेस्ट परफॉर्म किया अब आप क्या कर सकते हैं आप यही नहीं इसके अलावा भी बेस्ट मॉडल सिलेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो सेम कोड में आप डाल सकें से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया स्पोर्ट वैक्टर क्लासीफायर भी एड कर दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एड कर दिया सो so, मैं क्या करूंगा आप स्पोर्ट वैक्टर क्लासीफायर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन रेड्रेस क्लासीफायर क्रिएट इन बोस्टिंग क्लासीफायर इन चार एल्गोरिथम्स को रन करूंगा सेम वही तरीका डेटा लोड किया डेटा के फीचर्स और टारगेट सेपरेट किए ट्रेन टेस्ट सेपलेट किया यहां पे इस चीज के अंदर आप जितने भी एल्गोरिथम दे, दे देंगे ना मॉडल्स के अंदर वो सारे के सारे रन होंगे तो आपने छब्बीस एल्गोरिथम भी रन करने यू कैन डू इट आपने पचास भी करने यू कैन डू इट इट्स अप टू यू आप कितने एल्गोरिथम रन करते हैं सेम वही चीज चीज है कोई चेंज नहीं की एल्गोरिथम दो ऐड किए हैं और एट द एंड मैंने क्या किया हमने यहाँ पे इसको रन करके एक्यूरेसी चेक कर ली है सो so, हमारे पास रैंडम फ्रेस की एट थ्री है सेवन नाइन एट जीरो एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एट वन है स्टिल रैंडम फ्रेस क्लासिफायर इज द बेस्ट एल्गोरिथम फॉर अस तो इस तरीके से आप मल्टीपल एल्गोरिथम्स में से बेस्ट एल्गोरिथम को जो है वो आप अपने पास यहाँ पे लगा सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे यू कैन ऑल्सो चेक कि कौन सा हमारे पास बेस्ट मॉडल है और उस बेस्ट मॉडल को आप उठा के यूज़ कर सकते हैं एंड दिस नोटबुक विल बी अवेलेबल फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस और एट द एंड आपके पास बेस्ट मॉडल सिलेक्शन का एक टूल आपके सामने आ जाएगा यही नहीं आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर हमें हर मॉडल के बेस्ट हाइपर पैरामीटर भी ट्यून चाहिए हो तो हम क्या करेंगे आ रही है सब्र करें नेक्स्ट वीडियो में वही बता रहा हूँ अपना ख्याल रखें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर अल्लाह हाफिज़